देन हमारे पास है 54 MCQ इंग्लिश के पोर्शन से। इस पे आपने चूज करना है करेक्ट ऑप्शन को। ही गेव मी अ 5 रुपी नोट, ही गेव मी अ 5 रुपीज नोट, ही गेव मी अ 5 रुपी नोट, ही गेव मी 5 रुपीज नोट्स, दोनों पर और नन ऑफ दीज। तो जब भी इसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन, ये बेसिकली नाउन सेक्शन से लिया गया है। जब आपके पास कंपाउंड नाउन अवेलेबल हो और कोई नंबर की फॉर्म में हो तो आप हर चीज सिंगुलर लगाते हो, तो ए ऑप्शन इज द राइट वन, ही गेव मी अ 5 रुपी नोट। नेक्स्ट ऑप्शन में है चूज द करेक्ट वन, अली इज द मोस्ट टॉलेस्ट ऑफ द क्लास, अली इज द टॉलेस्ट ऑफ द क्लास, अली इज टॉलेस्ट ऑफ द क्लास, नन ऑफ दीज। तो ए ऑप्शन आपका राइट वन है, सॉरी बी ऑप्शन इज आपका राइट वन है। आप कभी भी दो सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगा सकते, या आपके पास डिग्री से आया है वर्ब से, आपके पास मैनी मोर मोस्ट होते हैं और टॉल टॉलर टॉलेस्ट, तो आप कभी भी डबल सुपरलेटिव डिग्री को यूज नहीं कर सकते। तो अली इज द टॉलेस्ट ऑफ द क्लास, बी ऑप्शन आपका राइट वन है। देन है चूज द करेक्ट वन, कट द लॉफ इंटू हाफ, कट द लॉफ इंटू टू हाफ, कट द लॉफ इंटू हाफ नन। तो आपके पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा, कट द लॉफ इंटू हाफ। हाफ का मतलब है वो दो में उसको आधा 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 कर रहे हो, तो इंटू टू हाफ हमेशा बहुत गलत सीक्वेंस होती है। हमेशा आपके पास अक्सर ये मोस्ट कॉमन रिपीटिंग एमसीक्यू, आपके पास टू हाफ कुछ भी नहीं होता, हाफ होता है, हाफ होता है कि दो हिस्सों में तकसीम कर दो, और वो प्लूरल में होता है, हाफ नहीं लिख सकते आप, हाफ लिखते हो। तो राइट ऑप्शन आपके पास है ए ऑप्शन, कट द लॉफ इनटू हाफ्स। दिस बुक इज वेल रिटन, वेल इसमें आपने बताना है क्या है पहले। तो वेल आपके पास एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो वेल आपके पास यहाँ पे पहली बात तो है एडवर्ब, फिर हमारे पास एडवर्ब की टाइप्स पढ़ी थी, हमारे पास नो टाइप्स हैं जो आपको नोट्स भेजे गए हैं उसमें जो आपने एग्जांपल्स पढ़ी होंगी। तो एडवर्ब ऑफ मैनर है कि किस तरह वो बता रही है किसी चीज को, कितनी अच्छे से। मैनर हम कहते हैं लाइक लाउडली, खामोशी से, या उसके एक मैनर को बताना, तो बहुत अच्छे से लिखी गई है। सो एडवर्ब है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन ठीक है, ए बी और सी बी, लेकिन सी ज्यादा उसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो सी ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू ए। तो सी ऑप्शन इज द राइट वन हियर, चूज द राइट वन। ही इज एक्सपर्ट इन इंग्लिश, ही इज एक्सपर्ट इन द इंग्लिश, ही इज एक्सपर्ट इन इंग्लिश, नन ऑफ दीज। तो इसमें हमारे पास ए ऑप्शन राइट वन है, ही इज एक्सपर्ट इन इंग्लिश। एक तो लैंग्वेजेस के साथ हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, सेकेंडली जब भी आप लैंग्वेजेस यूज करते हो तो लैंग्वेजेस का जो वर्ड फर्स्ट कैपिटल लेटर होता है वो कैपिटल यूज करते हो, तो ये दोनों ठीक है, लेकिन इसमें आपका इंग्लिश का ई कैपिटल आएगा, इसमें स्मॉल है, तो ए ऑप्शन इज ज्यादा अप्रोप्रिएट है। सो ही इज एक्सपर्ट इन इंग्लिश। हाँ, चूज द राइट वन, नो सूनर डिड आई रीच होम देन इट स्टार्टेड रेनिंग, नो सूनर डिड आई रीच होम देन, अब यहाँ पे टी एच ए एन वाला है, यहाँ पे टी एच ई एन वाला है। नो सूनर डिड आई रीच्ड होम, डिड के बाद आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, वैसे ही गलत हो गया। नो सूनर डिड आई रीच होम देन इट स्टार्टेड रेनिंग। नो सूनर डिड नहीं यूज हुआ, डू यूज हुआ है, नो सूनर के साथ आप हमेशा डिड यूज करते हो सेकेंड फॉर्म। तो आपके पास सेकेंड ए ऑप्शन राइट वन है, नो सूनर डिड आई रीच होम देन इट स्टार्टेड रेनिंग। देन 60 में आपके पास है चूज द राइट वन, वर्क केयरफुली लेस्ट यू शुड फेल, वर्क केयरफुली लेस्ट यू विल फेल, वर्क राइट केयरफुली लेस्ट यू कुड फेल, नन ऑफ दीज। तो आपके पास ए ऑप्शन राइट वन है, लेस्ट के साथ आप हमेशा शुड का यूज करते हो, सो ए ऑप्शन। यू कैन सी द डॉक्टर डैश 8 AM एंड 12 नून, तो आपके पास प्रपोजिशन से आया है, यू कैन सी द डॉक्टर बिटवीन 8 AM एंड 12 नून, के एक टाइम ड्यूरेशन दी हुई है इससे इस टाइम में, तो बिटवीन 8 एंड 12 आप डॉक्टर को विजिट कर सकते हो, सी ऑप्शन। डू यू नो द रीजन डैश इज एब्सेंस, सो आपके पास इसमें राइट ऑप्शन है, डू यू नो द रीजन फॉर हिज एब्सेंस, यू डोंट नीड टू गेट अपसेट डैश
little things. You don't need to get upset about little things. A option. लेट मी डू इट चेंज इंटू पैसिव वॉइस. इसको अपने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है. एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के रूल्स आपको सारे सेंड कर दिए गए थे. सो इसमें क्या होगा, जब भी आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस आया जाए तो आपको क्या करना होता है, लेट को लेट इट बी थर्ड फॉर्म यूज करोगे, देन बाय लेट इट बी डन बाय यू, लेट इट बी डन, लेट इट डन बाय यू, लेट इट बी डिड बाय यू. सो ए ऑप्शन इज द राइट वन, लेट इट बी डन बाय यू. Choose the right one. Every boy and every girl was ready. Every boys and every girl, every boys and every girls was ready, and none of these. So आपके पास जब भी सिंगुलर नाउन यूज हो या और दोनों आपस में कनेक्टेड हो एंड के साथ और उनके पहले ईच या एवरी, दोनों हो सकते हैं, एवरी भी और ईच भी यूज हो, तो उसके बाद आप जो वर्ब यूज करते हो वो सिंगुलर यूज करते हो. सो ए ऑप्शन आपका राइट बनेगा, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वॉज रेडी. देन आपके पास है जी जीरो कंडीशनल सेंटेंस. कंडीशनल सेंटेंसेस आपको भेजे गए थे. एक होता है हमारे पास जीरो कंडीशनल. जीरो कंडीशनल हम कहते हैं जिसमें आपको यूनिवर्सल ट्रूथ बताया जाए, कोई एक ऐसी कंडीशन जो वैलिड होती है हमेशा, ऑल टाइम के लिए. तो उसमें आप दोनों जो होंगे आपके पार्ट्स कंडीशनल सेंटेंसेस के, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हो. तो इसमें आपके पास ए ऑप्शन आई थिंक राइट वन था. सॉरी नॉट ए वन, बिकॉज इफ यू के साथ आप एस नहीं लगाते. इफ यू बी ऑप्शन इज द राइट वन. इफ यू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर अप टू 100 डिग्री सेल्सियस इट विल नो, ये भी गलत है हमारे पास. सेकेंड वाले में फिर गलती ये आ गई है कि इट विल स्टार्ट, यहाँ पे फिर हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट नहीं आया. सी में देख लेते हैं, इफ यू रेज द टेम्परेचर, फिर प्रेजेंट नहीं आया. इफ डी में है, इफ यू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर अप टू इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, तो डी ऑप्शन इज द राइट वन हियर. यहाँ पे पहले में गलती क्या है, यू के बाद एस नहीं आता. ही शी के साथ हमारे साथ ऐसा आता है, यू के साथ एस नहीं यूज होगा, ये मिस्टेक होगी. दूसरे में सेकेंड पार्ट में उसने फ्यूचर यूज कर लिया है, ये गलती हो गई. थर्ड में उसने पास्ट यूज कर लिया है, रेस्ट यूज कर दिए हैं. तो सी बिल्कुल ठीक है, डी वाला हमारे पास. दोनों, जब भी आपके पास यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जीरो कंडीशनल सेंटेंस होगा, दोनों पार्ट्स में आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट यूज करना है. ही सेज ही इज अ गुड बॉय, चेंज इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज आपने करना है. तो सबसे पहले आपने जब भी चेंज करना है तो आपने देखना है कि जो आपका स्टार्टिंग वाला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, वो किस टेंस में है. अगर तो वो पास्ट टेंस में है देन तो हम अंदर वाले को चेंज करते हैं. अगर वो फ्यूचर में है या प्रेजेंट फॉर्म में है तो हम उसको चेंज नहीं करते. एज सच डैट लगा के वो वही सेंटेंस लिख देते हैं. अभी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो आपने क्या करना है, ही सेज डैट ही इज अ गुड बॉय. सिंपल, आप नहीं, बिल्कुल ही सेड की तरफ नहीं जाओगे. ही सेज डैट ही इज अ गुड बॉय, बिकॉज हम चेंज तब करेंगे इनडायरेक्ट फॉर्म में जब हमारे पास ये चीज पास्ट में हो. देन नेक्स्ट है ही सेड व्हाट अ प्रिटी फ्लावर इट इज. सो ही सेड, अब देखिए पास्ट में तो हमें अंदर वाला चेंज करना है, इन प्रेजेंट है तो हम इसको पास्ट में ले जाएंगे. तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय डेट इट वॉज अ वेरी प्रिटी फ्लावर. जॉय नहीं, जॉय हम लगाते हैं जब आपके पास हुरा का वर्ड यूज होता है, कोई खुशी का होता है. ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर नो सॉरी ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर, उसने हैरानगी से कहा व्हाट प्रिटी फ्लावर्स इट इज. सो ये ठीक है, लेकिन इसमें हमारे पास गलती क्या है, ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर डैट इट वॉज अ वेरी प्रिटी फ्लावर. हमने अंदर वाले प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट करना होता है, इसने पास्ट में कन्वर्ट नहीं किया, इट इज ही रहने दिया. लास्ट वाले में क्या है, थर्ड में, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो. सो आप ये सोरो का इजहार नहीं कर रहे, सोरो ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो हम यूज करते हैं जब हम लिखते हैं लास्ट, कोई बुरी खबर होती है हमारे पास. तो ये भी नहीं, ऑप्शन गलत है. जॉय और सोरो इसलिए गलत हो गया, वंडर इसलिए गलत हो गया कि इसने यहाँ पे चेंज नहीं किया अंदर वाली उसको. तो इसका करेक्ट फॉर्म होती ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर डैट इट वॉज अ वेरी प्रिटी फ्लावर. सो आपके पास नन ऑप्शन इज द राइट वन. अ थिंग परसेप्टिबल बाय टच, जो चीज आप टच करके फील कर सको उस चीज को हम क्या कहते हैं, टेंजिबल. ए ऑप्शन.
वन हु नोज फॉरन लैंग्वेजेस, इसको हम कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। आपको एक लाइन दी जाएगी और नीचे वर्ड्स दिए जाएंगे, वो एक वर्ड उस पूरी लाइन को एक्सप्लेन कर रहा होता है। वो बंदा जो बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेजेस को जानता है उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीग्लॉट। सी ऑप्शन इज द राइट वन। फिर आपको लाजमी दो या तीन आए होते हैं, दो सिनोनिम्स आते हैं, दो एंटोनिम्स आते हैं। तो सिनोनिम ऑफ ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल हम कहते हैं पीसफुल इन्वायरमेंट चीज को, बिल्कुल पुरसकून को। तो टर्न अगेंस्ट, चांस, सर्कमस्टेंस, रेफर कोई भी नहीं है, तो आप इसको नन ऑफ दीज इज द बेस्ट वन ऑप्शन। देन हमारे पास है एंटोनिम ऑफ एलिनिएट। एलिनिएट हम कहते हैं हॉस्टाइल चीज को, लेकिन हमसे पूछा गया है इसका एंटोनिम। सो सिनोनिम जो है वो एलिनिएट का डेड वन इज हॉस्टाइल, दुश्मनी, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा फ्रेंडली। सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज द ए ऑप्शन। अस्सलाम वालेकुम बेटा। तो बीएड का पोर्शन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड इन द लेक्चर टॉपिक रिलेटेड टू क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट के टॉपिक्स में से जो है कौन सी चीज डिस्कस नहीं की जाती। एलिमेंट्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट बेटा डिस्कस किए जाते हैं, टीचर सैलरी निगोसिएशन, मॉडल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, बुलिंग एंड सोशल इमोशनल लर्निंग। बेटा क्लासरूम मैनेजमेंट के टॉपिक के अंदर एलिमेंट्स भी डिस्कस किए जाते हैं, मॉडल्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट भी डिस्कस किया जाता है, सोशल इमोशनल लर्निंग जो है वो भी डिस्कस की जाती है। एक चीज जो कभी भी डिस्कस नहीं की जाती वो टीचर सैलरी निगोसिएशन जो है डिस्कस नहीं की जाती। ये तो हेड होता है, प्रिंसिपल होते हैं, उनके दरमियान में ही जो है आपस में ये खेल होता है कि कितने में जो है टीचर को काबू करना है। तो सैलरी निगोसिएशन जो है वो डिस्कस नहीं की जाती क्लासरूम मैनेजमेंट किसी भी लेक्चर टॉपिक के अंदर। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो बी है आपके पास। तो बेटा 74 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। कि क्लासरूम मैनेजमेंट की तारीफ के अंदर कौन सी चीज शामिल है। एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, पावरफुल टीचिंग स्ट्रेटजीज, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन पॉलिसी, इंक्रीज्ड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग। बेटा अगर आपने क्लासरूम को मैनेज करना है तो क्या आप एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे। नहीं बेटा, एक्सेस ऑफ एवरी एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं करेंगे बेटा, कभी भी नहीं करेंगे। आप कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, नेगेटिव वर्ड है ये, सेंस बता रही है, ये नहीं हो सकता। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन पॉलिसी लेंगे, नहीं स्ट्रिक्ट नहीं ले सकते आप क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर, आपने हर किसी को साथ लेके चलना है। इंक्रीज स्टैंडर्डाइज टेस्ट, टेस्ट ले लेके बच्चों को के पागल करना है आपने, उनको जो है अस्पताल में पहुंचाना है, नहीं पहुंचाना ना आपने। तो आप क्या करेंगे, पावरफुल टीचिंग स्ट्रेटजीज जो है वो अप्लाई करेंगे, वो किस कैटेगरी में आएगी, क्लासरूम मैनेजमेंट, जो इफेक्टिव भी हो। ऐसी स्ट्रेटजीज बनाएंगे टीचिंग के हवाले से जो ना सिर्फ पावरफुल हो, इफेक्टिव भी हो, बेनिफिशियल भी हो स्टूडेंट्स के लिए। तो बी जो है बेटा यहाँ पे राइट ऑप्शन। देखिए एक्सटेंसिव, स्ट्रिक्ट, इंक्रीज्ड, ये वर्ड नेगेटिव सेंस दे रहे हैं आपके पास, ये हो भी नहीं सकते। थोड़ा सा जो है ना आपने खुद ही जो है अपने जवाब को ढूंढने की कोशिश करनी है। अच्छा बेटा नेक्स्ट, सोशल इमोशनल लर्निंग इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग। कि सोशल इमोशनल लर्निंग जो है उसके अंदर सारी चीजें शामिल होती हैं एक्सेप्ट एक के अलावा। अगर सोशल लर्निंग कर रहे हैं बेटा, माशर्ती जो है सोशल इमोशनल लर्निंग कर रहे हैं आप, सोशल नेटवर्किंग बिल्कुल उसी में स्टडी करेंगे, कम्युनल फीलिंग, इंक्रीज्ड कम्युनल फीलिंग भी उसके अंदर आएंगी, शेयरिंग एंड केयरिंग कनेक्शन, मीन शेयरिंग इज केयरिंग जैसे आप कहते हैं, इंक्रीज्ड होमवर्क असाइनमेंट। क्या आप सोशल इमोशनल लर्निंग के अंदर बच्चों को कहेंगे कि होमवर्क की असाइनमेंट जो है देते जाएंगे, डेली जो है बढ़ाते जाएंगे, एक दिन 5 दिन, दूसरे दिन 10 दिन, तीसरे दिन 15 दिन, ऐसे तो नहीं हो सकता ना सोशल इमोशनल लर्निंग के अंदर। यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो सी है, आप होमवर्क असाइनमेंट जो कभी भी नहीं बढ़ाएंगे। मॉडरेट जो है मियां रवि जो है उसका दामन जो है वो हाथ से नहीं छोड़ना। जो बेटा नेक्स्ट सवाल है, व्हाट शुड टीचर्स डू टू इंश्योर एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम द स्टूडेंट्स। टीचर को क्या करना चाहिए कि वो इंश्योर करे कि उसकी क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। अलाउ ओनली कॉन्फिडेंट स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट, क्या उसको सिर्फ ये करना चाहिए कि सिर्फ जो कॉन्फिडेंट स्टूडेंट बैठे हैं क्लास में, जो बोलने चालने वाले हैं, उन्हीं को जो अलाउ करे पार्टिसिपेट, वो डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें, फोकस ऑन कॉम्पिटेटिव एक्टिविटीज पे सिर्फ फोकस करें, इंक्रीज ऑल स्टूडेंट टू इंगेज रिगार्डलेस ऑफ देयर कॉन्फिडेंस लेवल, प्रायोरिटाइज एक्टिविटीज ऑफ फेवरेट स्टूडेंट। नहीं बेटा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। जब आप जो है आप चाहते हैं कि एक्टिव पार्टिसिपेशन हो तमाम स्टूडेंट की, तो बेटा आप सब बच्चों को, एक इंटेलिजेंट बैठे एक निकम्मा बैठे, आप सबको जो है इंकरेज करेंगे डिस्कशन में जो है आप इंगेज हो, पार्टिसिपेट करें, अपना रोल जो है वो प्ले करें।
उनको कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्टअप करने की कोशिश करेंगे, उनका जो भी कॉन्फिडेंस लेवल है उनको इंक्रीज करना है आपने, ताकि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। निकम्मे को कभी निकम्मा नहीं कहना, उसकी तारीफ करेंगे तभी तो जो है वो पढ़ना शुरू करेगा, वरना तो उसने पूरी उम्र निकम्मा ही रह जाना है। बेटा नेक्स्ट वन, 76 के बाद 77 पे चलते हैं बेटा। हु प्रपोज टीचर इफेक्टिवनेस ट्रेनिंग मॉडल? तो बेटा जेन पाइगेट, लेवी विगोस्टी, थॉमस गॉर्डन, बी एफ स्किनर। तो बेटा थॉमस गॉर्डन ने जो है आपके पास टीचर इफेक्टिवनेस ट्रेनिंग मॉडल जो है प्रपोज किया था। राइट ऑप्शन जो है वो सी है आपके पास। वेन डू क्लासरूम मैनेजमेंट प्रॉब्लम प्राइमरली अराइज? किस वजह से होते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी बुनियादी वजह क्या है आपके पास? ड्यूरिंग एग्जाम? क्या सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के दौरान ही जो है ये प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलते हैं? ड्यूरिंग ट्रांजिशन बिटवीन एक्टिविटीज, ड्यूरिंग लंच ब्रेक, ड्यूरिंग मॉर्निंग असेंबलीज? नहीं बेटा, ना तो मॉर्निंग असेंबलीज के दरमियान ही आप फेस करते हैं, ना ड्यूरिंग एग्जाम, ड्यूरिंग लंच ब्रेक करते हैं, लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम आप फेस करते हैं वो ड्यूरिंग ट्रांजिशन बिटवीन एक्टिविटीज, जब आप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी की तरफ ट्रांजिशन कर रहे होते हैं, तब जो है ये प्रॉब्लम जो है फेस करने को मिलते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट। जैसे स्पोर्ट्स वीक चल रहा था, स्पोर्ट्स वीक खत्म हुआ, उसके बाद आपने एग्जाम ले रहे, तब जो है यहाँ पे आपको क्लासरूम मैनेजमेंट के इश्यूज जो है वो फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा, 4078 का, ड्यूरिंग ट्रांजिशन बिटवीन एक्टिविटीज के दौरान ही जो है, क्योंकि आपने टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है उनको भी तो चेंज करना है ना, तो उस टाइम जो है कुछ ना कुछ क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से आपको इश्यूज जो है वो फेस करने पड़ेंगे। लाइक स्पोर्ट्स का इंचार्ज एक टीचर है, जब उसको एग्जाम में जाएंगे शायद उसको हेड ना बनाया हो वहां पे एग्जाम कंडक्ट के हवाले से, उसको कोई मेंबर ना बनाया हो, तो वहां भी इश्यूज आ सकते हैं। अच्छा, व्हाट शुड अ टीचर डू इफ अ स्टूडेंट इज प्लेइंग विद अ ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग अ लेसन? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि आप पढ़ा रहे हैं और एक बच्चा मुसलसल जो है किसी ऑब्जेक्ट के साथ जो है छेड़खानी कर रहा है, पंगे कर रहा है उसके साथ, मीन या मोबाइल है, मोबाइल लिया हुआ है उसके साथ जो है मोबाइल में जो है गेम खेल रहा है या मोबाइल में मैसेजिंग कर रहा है, तो आप क्या करेंगे एज अ टीचर? क्या आप लेसन को स्टॉप कर देंगे इमीजिएटली, रिमूव द ऑब्जेक्ट विदाउट इंटरप्टिंग द प्रेजेंटेशन, इग्नोर द स्टूडेंट, गिव अ वार स्टूडेंट अ वार्निंग? बेटा आप कभी भी जो है आपने पढ़ाना नहीं छोड़ना, ये बाबे जो है वो पढ़ाना छोड़ देते हैं, लेकिन आप यंग हैं, आपने जो है पढ़ाना नहीं छोड़ना, गुस्सा नहीं करना, इग्नोर स्टूडेंट को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता उस दौरान, क्योंकि इंसान जो है वो उसका ऑटोमेटिकली जो डायमेंशन है वो वहां पे शिफ्ट होंगी उसकी तरफ बार बार, वो उस लेवल से उस मोहब्बत से उनको नहीं पढ़ा सकता बच्चों को उस दौरान। तो आपने क्या करना है, स्टूडेंट को इग्नोर भी नहीं करना, गिव अ स्टूडेंट वार्निंग, वार्निंग का भी कोई फायदा नहीं है, ऐसे टाइम जाया होगा। आपने क्या करना है, आराम से जाके बच्चे के पास जाना है, ऑब्जेक्ट को जो है जिस भी चीज से वो खेल रहा है उसको आपने उससे ले लेना है, लेकिन आपने इस चीज का ख्याल करना है कि जो भी आप उस टाइम पढ़ा रहे हैं, जो भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उसको इंटरप्ट नहीं करना, बोलते बोलते जैसे बच्चा दरमियान में बैठे क्लास के, आप वहां पे जाए लेक्चर पढ़ाते पढ़ाते और उससे जो है वो चीज लेके चुप करके आ जाए, बाकी क्लास को पता ना लगे कि आपने जो है क्या किया है, बच्चा समझ जाएगा खुद ब खुद। तो रिम्यूव द ऑब्जेक्ट विदाउट इंटरप्टिंग द प्रेजेंटेशन जो है ये आपके पास सबसे बेस्ट मेथड है यहाँ पे, अगर स्टूडेंट जो है आपको डिस्टर्ब कर रहा है ड्यूरिंग क्लास। व्हाट इज अ की एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग सेल्फ रेगुलेशन टू स्टूडेंट? अगर आपने बच्चों को सेल्फ रेगुलेशन सिखानी है तो सबसे की एस्पेक्ट क्या है? प्रोवाइडिंग ऑल द आंसर टू देम? नहीं बेटा, आंसर क्यों प्रोवाइड करना है सारे, उनको सोचने का मौका दें, उसको खुद करने की कोशिश दें, पनिशिंग देम फॉर मिस्टेक, सजा दें। बट अब तो पंजाब हुकूमत ने भी कह दिया है मार नहीं प्यार, मतलब टिका के मारो प्यार ना करो ये मतलब नहीं है, मतलब मार नहीं प्यार जो ओल्ड कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था कि बच्चों को आप मार नहीं सकते, प्यार से समझाने की कोशिश करें, तो पनिशिंग देम पनिश नहीं कर सकते आप, गवर्नमेंट मुलाजिम जो है गिविंग देम कॉन्स्टेंट इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन भी नहीं दे सकते, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, आप क्या करें उनको इम्पावर करें कि वो खुद ही जो है सोचें इंडिपेंडेंटली, उनको सोचने पे समझने पे मजबूर करें, तभी जो है उनकी सेल्फ रेगुलेशन जो है अच्छी तरीके से हो पाएगी। तो नेक्स्ट वन, विच ऑप्शन इज फॉल्स इन रेफरेंस टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी? बेटा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दो तीन चार एमसीक्यूज यहाँ से लाजमी आते हैं, इसको आपने अच्छे से भी करना है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फॉल्स है, विच ऑप्शन इज फॉल्स विद रेफरेंस टू ब्लूम टैक्सोनॉमी? अच्छा वही आ गया यहाँ पे, इट वॉज पब्लिश इन 1946। नहीं बेटा, इट कंट्रीब्यूट चिल्ड्रन मेंटल डेवलपमेंट, बिल्कुल, इट वॉज नेम्ड बेंजामिन ब्लूम द एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, बिल्कुल। तो बेटा यहाँ पे जो इनकोरेक्ट ऑप्शन है आपके पास वो क्या है, इट वॉज पब्लिश इन 1946, 1946 में पब्लिश नहीं हुई थी बेटा, ये 1956
56 में की थी, और किसने की थी? बेंजामिन ब्लूम ने की थी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन सवाल के लिहाज से बी जो है, इट वाज पब्लिश्ड इन 1946, ये फॉल्स स्टेटमेंट है आपके पास। कब हुई थी? 1956। ऑब्जेक्टिव याद रखना है। हाउ मेनी लर्निंग डोमेन आर देयर इन ब्लूम टेक्सोनोमी? बेटा कैप से याद रखना है, तीन डोमेन होती हैं, कोग्नेटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, लिख देता हूं, कोग्नेटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, और पी से बेटा साइको मोटर डोमेन। इन तीनों को आपने याद रखना, कैप्स, तीन डोमेन होगी, तीन डोमेन होगी, कैप्स, कॉग्निटिव, इफेक्टिव, साइकोमीटर। साइकोमोटर डोमेन ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी इन्वॉल्व किससे रिलेटेड? लर्निंग से, नॉलेज से, मैनर से, फिजिकल मूवमेंट, मसल से रिलेटेड है आपके पास। 83 का राइट ऑप्शन जो है बेटा वो डी है आपके पास, फिजिकल मूवमेंट। अकॉर्डिंग टू ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव द लोवेस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, सबसे लोवेस्ट लेवल क्या है बेटा? नॉलेज है, मीन्स मेमोराइजेशन। आपसे पूछा जाए पाकिस्तान कब आजाद हुआ, आप कहेंगे 1947 में, ये आपका नॉलेज है। हम तो इसको बोलते हैं ये आपका रट्टा है, ये मेमोराइजेशन है आपके पास, लेकिन ब्लूम्स अकॉर्डिंग ये क्या है? आपका नॉलेज है। सबसे लोवेस्ट लेवल जो है वो क्या है आपके पास? नॉलेज है। आपसे कोई भी सवाल, आपका नाम क्या बताएंगे? मेरा नाम अली है, ये आपका नॉलेज लेवल है। सबसे लोवेस्ट लेवल जो है वो क्या, कॉग्निटिव डोमेन के अंदर वो नॉलेज लेवल। टू ब्रेक इंफॉर्मेशन इन टू पार्ट एंड टू एग्जामिन द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, बेटा आपने क्या किया? आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आई और आपने क्या कर दिया, उसको टुकड़ों में जो है तकसीम कर दिया, और फिर उसको जो है इंडिविजुअली जो है एग्जामिन करने की कोशिश करें, मुआयना कर रहे हैं किस कैटेगरी में आएगा। एनालाइजिंग, इवेलुएटिंग, सिंथेसाइजिंग, ओरिजिनेटिंग, टू बेटा एनालिसिस आप कर रहे हैं, आप तजिया कर रहे हैं किसी भी चीज़ का। तजिया कैसे करते हैं? जब आप एक बड़ी चीज़ को, एक इंफॉर्मेशन को जो है तोड़ने की कोशिश करते हैं, उसकी बेसिक पे पॉइंट पे जाने की कोशिश करते हैं, मीन्स ब्रेक इंफॉर्मेशन इंटू पार्ट एंड एग्जामिन द इंफॉर्मेशन, उसका तजिया भी करते हैं, उसका मुआयना भी करते हैं, वो किसके अंदर आएगा? एनालिसिस के अंदर आएगा, तजिए के अंदर आएगा। ए जो है आपके पास राइट ऑप्शन, इवेल्युएटिंग अंदर नहीं आएगा, जिसने इवेल्युएटिंग लगाया है वो गलत। द इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग अप्रोच इज करेक्टराइज बाय, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग किससे? टीचर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन एंड पैसिव लर्निंग, स्टूडेंट आस्किंग क्वेश्चन एंड सीकिंग आंसर थ्रू एक्सप्लोरेशन, रोट मेमोराइज, रूट मेमोराइजेशन एंड रेपिटेशन, इम्फेसिस ऑन स्टैंडर्डाइज टेस्ट। बेटा इंक्वायरी, पुलिस वालों के पास गए कभी? कैसे इंक्वायरी करते हैं वो? सवाल जो है कितने सारे सवाल पूछते हैं आपसे इंक्वायरी, अगर आपने कोई गलती से जो है थाने गया हो तो बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछ लेते हैं। लेट सपोज आपकी जो है मोटरसाइकिल चोरी हो गई है, तो आपसे पूरी डिटेल लेंगे, आप कहाँ थे, आपकी बाइक का नंबर क्या था, कलर क्या था, सारी इंफॉर्मेशन वन टू ऑल बोलेंगे, वो इंक्वायरी करते हैं आपसे। तो इसमें जो है स्टूडेंट आस्क क्वेश्चन, स्टूडेंट क्या करेगा? क्वेश्चन पूछेगा एंड सीकिंग आंसर थ्रू एक्सप्लोरेशन, और अपने आंसर को ढूंढने की कोशिश करेगा अपनी थ्रू एक्सप्लोरेशन की तरह, जो है इंक्वायरी कर रहा है बच्चा, सवाल पूछ रहा है, अपने आप को जो है क्रिटिकल थिंकिंग पे मजबूर कर रहा है। ये किस में आएगा? इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के अंदर। आपसे जो है उल्टे सीधे सवाल पूछेगा, लेकिन आपने जो है उसको आंसर करने की कोशिश करनी है, उसके ऊपर हंसना नहीं है, जो कि हम नॉर्मली करते हैं। द फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, बेटा दो तरह के मॉडल जो हैं वो आपने पढ़े होंगे, एक ट्रेडिशनल मॉडल होता है आपके पास लर्निंग का, क्लासरूम का, और एक होता है आपके पास फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल। ट्रेडिशनल तो ये है कि आप जो है क्लास में गए, मतलब स्कूल गए या कॉलेज गए, वहाँ पे आपने नॉलेज लिया और घर आके जो है आपने उसको करने की कोशिश की। अब फ्लिप में क्या होगा? उलट हो जाएगा, स्टूडेंट रिसीविंग लेक्चर एट होम, बच्चा जो है घर आके जो है मतलब लैपटॉप पे या जूम पे या किसी भी तरीके से जो है वो लेक्चर्स लेगा, एंड डूइंग होमवर्क इन क्लास विद पेयर अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द टीचर, और होमवर्क करेगा क्लास में जाके दोस्तों के साथ बैठ के, अंडर द गाइडेंस, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इंस्ट्रक्टर या टीचर। ये कौन सा मॉडल है आपके पास? फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल है। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है बेटा? बी है आपके पास। ट्रेडिशनल नहीं है ना ऐसा, ट्रेडिशनल में तो आप ने स्कूल जाना है, घर आके काम करना है अकेले बैठ के, फ्लिप में उल्टा हो गया, आपने चीज को बिल्कुल उलट कर दिया लर्निंग। वट इज द मेन पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इन द क्लासरूम? मेन पर्पज क्या है? टू असाइन ग्रेड्स टू द स्टूडेंट, टू प्रोवाइड फीडबैक दैट कैन बी यूज्ड टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग, टू मेजर स्टूडेंट फाइनल अचीवमेंट एट द एंड ऑफ कोर्स, टू कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट नेशनल स्टूडेंट, नहीं, टू प्रोवाइड फीडबैक दैट कैन बी यूज्ड टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग। आपने स्टूडेंट्स को जो है फीडबैक प्रोवाइड करना है ताकि वो अपनी टीचिंग और लर्निंग को जो है क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके। ये बेसिक पर्पज है फॉर्मेटिव असेसमेंट का,
राइट ऑप्शन बेटा बी है 89। थोड़ा सा स्पीड में तेज करता हूँ, टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। विच टीचिंग मेथडोलॉजी मेथड्स इज प्राइमरी फोकस ऑन मेमोराइजेशन एंड रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन। कौन सा ऐसा मेथड है जो सिर्फ और सिर्फ कहता है कि मेमोराइज करो, उस नाम बताना है उस मेथड का जिसमें आप जो है चीज़ों को मेमोराइज करते हैं और रिकॉल करते हैं इंफॉर्मेशन को। इंक्वायरी तो नहीं हो सकता, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी नहीं, एक्सपेरियंशियल लर्निंग भी नहीं है बेटा, रूट लर्निंग। रूट लर्निंग या मेमोराइजेशन या रट्टा जिसे बोलते हैं वो यहाँ पे आता है आपके पास। तो 89 का राइट ऑप्शन जो है बेटा वो क्या हो गया, बी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व स्टूडेंट टीचिंग ईच अदर अंडर द गाइडेंस ऑफ अ टीचर। कि स्टूडेंट जो है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टीच कर रहे हैं लेकिन अंडर द गाइडेंस ऑफ अ टीचर। पेयर ट्यूटरिंग आएगा, लेक्चर मेथड, सोक्रेटिक सेमिनार, ड्रिल एंड प्रैक्टिस। तो बेटा पेयर ट्यूटरिंग के अंदर जो है आपके पास आएगा कि स्टूडेंट जो है एक दूसरे के साथ जो है टीच हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे को जो है समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन टीचर जो है एज अ गाइडेंस के लिए वहां पे मौजूद है। तो पेयर ट्यूटरिंग जो है राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इज यूज टू हेल्प स्टूडेंट डिवेलप हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी है जो स्टूडेंट को मजबूर करती है कि वो अपनी थिंकिंग स्किल को जो है वो इम्प्रूव करे। मेमोराइजेशन नहीं, रेपिटेशन नहीं, लेक्चर नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग एक्सरसाइज। आप उसको ऐसी एक्सरसाइज दें जिसमें उसका माइंड इन्वॉल्व हो, वो सोचे, अपने दिमाग को इस्तेमाल करने की कोशिश करे, जो कि हम पाकिस्तानी 99% हम यूज़ नहीं करते। जो चीज़ मिल गई बस रट्टा लगाया, अल्लाह अल्लाह खैर सर, कुछ चीज़ पूछ ली फिर जो है सुमन बुकमन अमियन फॉर्मला अर्जुन हो जाते हैं, तो वो नहीं करना। क्रिटिकल थिंकिंग एक्सरसाइज उसको दें ताकि उसके अंदर जो है हाई थिंकिंग और हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल जो है वो डेवलप। मेन पर्पस ऑफ थिंक पेयर शेयर एक्टिविटी टू असेस इंडिविजुअल स्टूडेंट परफॉर्मेंस, टू इंक्रीज क्लासरूम कंपटीशन, टू इंक्रीज स्टूडेंट कोलेबोरेशन एंड डिस्कशन, टू प्रोवाइड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन टू इंटायर क्लास। थिंक पेयर एंड शेयर स्ट्रेटेजी का पर्पस ये है कि आपने इंक्रीज करना है स्टूडेंट को, एक साथ कोलेबोरेट करें और डिस्कशन करें। थिंक पेयर शेयर, शेयरिंग करनी है आपने नॉलेज के, स्टूडेंट को आपस में बिठा के उनको कहना है कि अपने जो भी ख्याल हैं, अपने जो भी पॉइंट्स हैं, एक साथ शेयर करो, कोलेबोरेट करो, डिस्कशन। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ सुमेटिव असेसमेंट का क्या है, टू प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक टू द स्टूडेंट। नहीं, टू असेस स्टूडेंट ओवरऑल अचीवमेंट एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शनल पीरियड, टू प्रोवाइड टू गाइड इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड एडजस्टमेंट, टू मॉनिटर स्टूडेंट प्रोग्रेस ऑन अ डेली बेसिस। नहीं, तो बेटा राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है, बी स्टूडेंट टू एक्सेस स्टूडेंट ओवरऑल अचीवमेंट एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शनल पीरियड। ये किस कैटेगरी के अंदर आएगा, सुमेटिव असेसमेंट के अंदर आएगा कि एक मुद्दत के बाद, एक ड्यूरेशन के बाद आपने क्या करना है, स्टूडेंट की ओवरऑल अचीवमेंट जो है उसको जो है आपने असेस करना है। प्राइमरी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, इट कंपेयर स्टूडेंट्स टू ईच अदर, इट मेजर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ फिक्स क्राइटेरिया, इट प्रोवाइड अ रैंकिंग ऑफ क्लास, इट असेस स्टूडेंट पोटेंशियल फॉर फ्यूचर लर्निंग। तो बेटा क्या करता है क्राइटेरिया, इट मैयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को मैयर करता है अगेंस्ट अ फिक्स सेट ऑफ क्राइटेरिया। आप एक क्राइटेरिया सेट कर देते हैं, उसके बाद जो है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को जो है वो क्या करते हैं, एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। किसके अंदर आया, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। जैसे आज के टेस्ट में जो है आप ये टेस्ट भी दे रहे हैं, यहाँ पे क्राइटेरिया सेट है 50 मार्क्स जो हैं आपके केमिस्ट्री के, 20 बीएड के, 30 जो हैं आपके पास किसके हैं, पैडागोगी से रिलेटेड है या प्रोफिशिएंसी टेस्ट जिसको बोलते हैं उस रिलेटेड है या बीएड से रिलेटेड है आपके पास। तो एक क्राइटेरिया बना दिया है, अब इसकी बेस के ऊपर जो है हमने आपकी परफॉर्मेंस को जो है वो इवेलुएट करना है कि बच्चे जो है किसके अंदर आएगा, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट के अंदर आएगा। विच असेसमेंट इन मेथड इन्वॉल्व कलेक्शन इन्फॉर्मेशन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग परफॉर्मेंस। ऑब्जर्वेशन से और परफॉर्मेंस से, तो बेटा परफॉर्मेंस असेसमेंट जो है उसके थ्रू आप करते हैं, राइट ऑप्शन बी है। थोड़ा सा तेज करता हूँ। बट इज द मेन पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन एजुकेशन। मेन पर्पस क्या होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट का, टू असाइन ग्रेड। नहीं, टू आइडेंटिफाई, टू एवेल्युएट द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ द करिकुलम, टू प्रोवाइड फाइनल असेसमेंट ऑफ लर्निंग, टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ है और जो वीकनेसेस हैं उसमें कमजोरियां हैं उसको जो है अगर आपने आइडेंटिफाई करना है, कैसे करेंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए। राइट ऑप्शन जो है बेटा वो क्या हो गया आपके पास, सी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड असेसमेंट। गुड असेसमेंट की करेक्टरिस्टिक वैलिडिटी बिल्कुल नहीं चाहिए, रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए, फेयरनेस भी होनी चाहिए। बेटा बायसनेस नहीं होनी चाहिए, जब भी आप असेसमेंट कर रहे हैं आपने बायस जो है वो नहीं होना कि इसने जो है मुझे लास्ट टाइम पकौड़े नहीं खिलाए थे तो मैं जो है अभी इसको जो है असेसमेंट सही नहीं करूंगा, मैं इसका नंबर काटूंगा, ऐसा नहीं करना आपने कभी भी। ठीक है, नाराजगी को साइड पे रखना है, असेसमेंट जो है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट करनी है आपने हमेशा।
97 के बाद बेटा 98, विच डज द टर्म स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इंप्लाई? असेसमेंट डिजाइन बाय इंडिविजुअल टीचर्स, असेसमेंट विद यूनिफॉर्म प्रोसीजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग, अ टेस्ट विद सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड इनफॉर्मल असेसमेंट टूल? बेटा राइट ऑप्शन जो है आपके पास क्या, असेसमेंट है विद यूनिफॉर्म प्रोसीजर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग, बी जो है आपके पास करेक्ट। विच असेसमेंट मेथड इज मोस्ट अप्रोप्राइएट फॉर इवेल्युएटिंग स्टूडेंट एबिलिटी टू अप्लाई स्किल इन रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट? कौन सा बेस्ट है इवेल्युएट स्टूडेंट की एबिलिटी को टू अप्लाई स्किल इन रियल वर्ल्ड? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन, परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट जो है वो आपके पास बेस्ट है टू अप्लाई टू टू चेक स्किल्स इन रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट। परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट, उसकी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर आपने उसकी असेसमेंट करनी है, क्योंकि जाना तो उसने जो है सोसाइटी के अंदर ही है, नॉलेज कितने ले ले उसको जो है अगर कम्युनिकेट करने की स्किल नहीं आती वो क्या करेगा सोसाइटी में जाके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ यूजिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन असेसमेंट? इट इंक्रीज क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करता, इट इज इजी टू कंस्ट्रक्ट नहीं, दे अलाउ फॉर ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग, दे प्रोवाइड डिटेल फीडबैक नहीं, दे अलाउ फॉर ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग जो है उसके लिए आप यूज करते हैं। 100 का राइट ऑप्शन सी है बेटा। वट इज रूब्रिक? रूब्रिक किसे कहते हैं? अ टाइप ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं, अ स्कोरिंग गाइड यूज टू एलुएट द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स, अ स्टेटिस्टिकल मेजर ऑफ टेस्ट रिलायबिलिटी, अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट टूल। बेटा राइट ऑप्शन जो है वो बी है, एक स्कोरिंग गाइड होता है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, एवेल्युएट करते हैं क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स, स्टूडेंट ने रिस्पॉन्स कंस्ट्रक्ट किए हैं बनाए हैं उनको जो है आप एवेल्युएट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा, रूब्रिक बोलते हैं। विच टाइप ऑफ असेसमेंट इन्वॉल्व एवेल्युएटिंग स्टूडेंट लर्निंग थ्रू अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क ओवर टाइम? स्टैंडर्डाइज टेस्ट, मतलब आपने एवेल्युएट करना है स्टूडेंट की लर्निंग को थ्रू अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क ओवर टाइम। बेटा आप किसके थ्रू करेंगे, पोर्टफोलियो असेसमेंट के थ्रू करेंगे? 102 राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है, सी है। पोर्टफोलियो असेसमेंट बहुत ही कॉमन है। व्हाट इज नॉन नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग? नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग जो है क्या होती है, टेस्टिंग डेट मेजर स्टूडेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ फिक्स सेट ऑफ क्राइटेरिया, टेस्टिंग डेट कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस विद दैट ऑफ पेयर, टेस्टिंग डेट प्रोवाइड फीडबैक ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, टेस्टिंग डेट अप्लाई प्रैक्टिकल स्किल। तो एक नॉर्म आपने सेट कर दी है, एक रेफरेंस आपने बना दिया, टेस्टिंग डेट मेजर स्टूडेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ फिक्स सेट ऑफ क्राइटेरिया, ये आपके पास राइट ऑप्शन है। तो बेटा आई होप आपने कुछ ना कुछ जो है समझने की कोशिश की होगी डिस्कशन की। अपने दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।